राष्ट्रीय गान लिखी किताबें फाड़ने पर उबाल। मुरादाबाद के हैबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय गान लिखी सरकारी किताबों को फाड़ने और जलाने के मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब ABVP के कार्यकर्ता राष्ट्रीय गान का अपमान का विरोध करते हुए कॉलेज परिसर में जमा हो गए और अपना विरोध दर्ज करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र स्थित हैबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज के गेट और परिसर में सरकारी किताबें फटी पड़े होने से आसपास के लोगों ने हलचल बढ़ा दी। दरअसल इन किताबों पर राष्ट्रीय गान जनगण मन छपा हुआ था। इतनी बड़ी संख्या में किताबों को फाड़ना और जलाने के मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब कुछ स्थानीय लोगों ने इसकी वीडियो बना ली और इसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से की। नेशनल एंथम के अपमान की बात सामने आते ही हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता भी स्कूल पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई। संगठन से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि स्कूल से जुड़े ही कुछ लोग हैं जिन्होंने ये किताब फाड़कर फेंकी है। इस मामले की सूचना मिलने पर थाना कटघर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और फटी किताबों को बरामद करते हुए अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी। इस घटना पर स्कूल के प्रिंसिपल ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि किताबें स्कूल के बाहर फाड़ी गई हैं। स्कूल में आज राष्ट्रीय मिशन के तहत पढ़े मुरादाबाद बढ़े मुरादाबाद का कार्यक्रम था जिसके बाद ही ये घटना हुई है। मतलब हुई है ना, दो कंटेंट है ना, बुक्स तो विद्यालय की थी ना, सरकारी किताब थी ना, प्राइवेट तो। और ये जलवाए किसने है सर, ये बता दीजिए। जलवाने की क्या जरूरत थी, ये विद्यालय यही रखी है, ये पढ़े, ये पढ़े हैं आपके बिल्कुल सामने वीडियो है वो और कूड़ा वगैरह। अरे गुरुजी बुक्स चलिए, कूड़े की कैसी बातें कर रहे हो आपको अभी दिखाई नहीं रहा कैमरे। अगर आपने आदेश दिया है जलाने का तो आप भी उतने ही दोषी हैं। राष्ट्रगान को जलाने का अगर आपने आदेश दिया तो आप भी दोषी हैं उसमें। नहीं, अगर आपके आदेश से हुआ कुछ भी नहीं या नहीं हुई, नहीं होती तो आप लोग आते क्यों? हाँ तो हुई है ना, मानते हैं आप? मान लिया। अरे आप मानते तो हैं, कॉलेज की बात नहीं, लेकिन कॉलेज में जले हैं ये तो कॉलेज की बात है ना। कॉलेज कॉलेज में जलाए गए हैं, चाहे वीडियो दिखा सकते हैं हम आपको, बिल्कुल प्रूफ बाई प्रूफ। चलो जांच कराना, आप चीज साबित ही नहीं हुई तो नहीं साबित होने की, ये तो बात की बात है, ये तो बात की बात है। हम एक समिति बनाएंगे, समिति जांच देगी, जांच की रिपोर्ट आएगी, फिर जो उसकी संस्तुतियाँ होंगी क्या किया जाएगा। क्या सर स्कूल के बाहर CCTV कैमरे लगे हैं? नहीं बाहर नहीं है, स्कूल के अंदर। सड़क पर नहीं है, सड़क का मामला था, कॉलेज प्रेमिसेस का मामला नहीं, स्कूल गेट का मामला है ये। नहीं गेट नहीं, गेट तो सड़क के किनारे ही तो कॉलेज है ना सर। स्कूल के जो सफाई कर्मचारी हैं वो उन किताबों को बटोर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे, साथ में एक टीचर भी हैं उनके। देखिए ऐसा है, आप सड़क पर जा रहे होंगे और आपको ऐसी घटना दिखेगी तो आप वो कागज नहीं उठाएंगे, उठाएंगे ना? टीचर सबकी छुट्टी हो गई थी, जा रहे थे, टीचर को दिखा, टीचर ने रिस्पेक्ट में उठा लिया उसे, और कोई बात नहीं थी।